आज मैं आपके सामने वो राज खोलने जा रहा हूं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और ये राज इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को राज्य अपने नागरिकों से छुपा कर रखता है ताकि पुलिस अपनी मनमानी कर सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब तथा इंटरनेट पर नहीं मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है या फिर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करती है तो ऐसे में आप शिकायत करके उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई भी की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस का गठन जनता तथा जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किया गया है और जिसके लिए CRPC में पुलिस को असीमित शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस द्वारा अनुचित व्यवहार देखने को मिलता है जहाँ पर CRPC की आड़ में पुलिस अपने अधिकारों से बाहर जाकर जनता के मौलिक अधिकारों की धज्जियाँ उड़ाती नजर आती है, जिसमें पुलिस द्वारा नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनसे रिश्वत लेना, किसी पीड़ित की शिकायत दर्ज न करना, बिना कारण किसी को डराना धमकाना इत्यादि शामिल है। लेकिन प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से पुलिस की शिकायत संबंधी प्रक्रिया पर कार्यवाही करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब गौर से सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस दिशा निर्देश में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस दिशा निर्देश के माध्यम से प्रत्येक राज्य को यह निर्देश दिए हैं कि वह अपने राज्य में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करे। यह अथॉरिटी स्वतंत्र होगी, जिस पर राज्य तथा पुलिस का कोई दखल नहीं होगा और जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जजेज करेंगे। और जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्य किया जाता है तो ऐसे में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस अथॉरिटी में शिकायत की जा सकती है। यहाँ पर यह विशेष ध्यान रखें कि शिकायत करने से पहले आपके पास पर्याप्त सबूत अथवा गवाह जरूर हो, जिसके लिए आप अपने पास वीडियो, ऑडियो अथवा अन्य कोई सबूत जरूर बना लें। और आपकी शिकायत के बाद यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के साथ साथ उस पर FIR करके उसके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर केवल कुछ राज्यों में ही इस अथॉरिटी का गठन किया गया है, जबकि कुछ राज्य अभी भी इस दिशा निर्देश का पालन नहीं कर पाए हैं। यदि आप उन राज्यों से संबंध रखते हैं और आप पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे करना है, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही बनाई हुई है, जो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं और पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इस विषय से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी और आपको दे दूं कि इस अथॉरिटी में ऑनलाइन शिकायत करने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं ही अपने राज्य के अथॉरिटी का पता लगाकर वहां पर जाकर शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके काम आएगी और यह आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही कानून से संबंधित और भी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही इस विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए